नमस्कार, News4nation देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन अभी भी ये तबाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने भयानक अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि दो दिन के भीतर बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है, और इसके साथ ही 15 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। कौन कौन से ज़िले हैं जो कि रेड अलर्ट पर रखे गए हैं और जहाँ पर भारी बारिश होने की आशंका है, आपको बताते हैं। बिहार के लोगों को अगले दो दिनों तक बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर बिहार समेत बिहार के कई जिलों के लिए 1 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। भारी बारिश को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बाद अब फिर से इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि इससे 15 जिलों में और तबाही मच सकती है। इससे पहले मंगलवार को भी राजधानी पटना, आरा, बक्सर, जहानाबाद समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई थी। बारिश के कारण सबसे अधिक परेशानी बाढ़ प्रभावित जिलों को हो रही है। अगले 31 जुलाई तक राजधानी पटना समेत 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना के अलावा भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद में आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि बिहार के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बिहार में पहले से ही 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले दो दिनों में अगर भारी बारिश होती है तो चंपारण, गोपालगंज से लेकर सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज एवं मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के इलाकों में बाढ़ का संकट और भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इन इलाकों को खतरा है। बिहार में गंडक नदी, गोपालगंज में डुमरिया घाट और मुजफ्फरपुर में रेवा घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक, पूर्वी चंपारण के लाल बेगिया घाट, मुजफ्फरपुर के अहियरवलिया और सिकंदरपुर, समस्तीपुर के और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती और अधवारा, सीतामढ़ी में ढेंग, सोनाखान, शिवहर में डुब्बाधार, मुजफ्फरपुर के बनीवाद, दरभंगा के हायाघाट, कमतौल और एकमी घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। कमला नदी मधुबनी में झंझारपुर रेल पुल के पास खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। महानंदा, पूर्णिया के ठेंगरा घाट और कटिहार के झावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में बाढ़ से हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ से 11 जिले पूरी तरीके से प्रभावित हैं। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली नदियां लगातार परेशानी बढ़ा रही हैं। नदियों में आई बाढ़ ने जिले के 14 प्रखंड और 267 पंचायतों को अपनी चपेट में लिया है। बाढ़ की विभीषिका से सबसे बुरा हाल बंजरिया प्रखंड का है, जहां बूढ़ी गंडक, सिकरहना नदी ने तबाही मचा रखी। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दो दिनों तक 15 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट किया गया है और उन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसका सीधा असर अब बाढ़ पर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो इलाके हैं वो बाढ़ के पानी से ग्रसित हैं। वहां पर बाढ़ का जो पानी है वो घुस चुका है। ऐसे में एक बार फिर से जो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं उससे तबाही और भी बढ़ सकती है, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News4nation। नमस्कार।